वीवो का X100 सीरीज आ चुका है दोस्तों। वीवो का जो एक सीरीज होता है वो स्पेशली कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन होता है और यहाँ पे आपको बहुत ही जबरदस्त कैमरा देखने को मिलेगा। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पे आपको द बेस्ट कैमरा देखने को मिलेगा। तो कैमरा के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सब्र रखिए, लेकिन सबसे पहले इसके लुक्स के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। दोनों का लुक बहुत ही बेहतरीन दिया गया है दोस्तों। टेलीफोटो लेंस की वजह से बम थोड़ा ज्यादा निकल के आया है वीवो X100 प्रो में, लेकिन उसके अलावा डिजाइन एकदम सेम ही है दोस्तों। और अभी फिलहाल हम डिस्प्ले के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको कर्व डिस्प्ले मिल रहा है 6.78 इंचेस का, जो कि बड़ा सा डिस्प्ले है दोस्तों। और यहाँ पे आपको LTPO AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, यानी कि डिस्प्ले आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। दोनों ही स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले है वो एकदम सेम टू सेम है। 120Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है और 3000 nits का पीक ब्राइटनेस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों ये। और प्रोसेसर भी आपको दोनों स्मार्टफोन में सेम ही देखने को मिलेगा, Dimensity 9300 जो कि 4 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर है। बहुत ही पावरफुल परफॉर्मेंस दोस्तों इसमें आपको देखने को मिलेगा। Android 14 दोस्तों मिल जाता है Phantom OS 14 के साथ। 3 साल का मेजर अपडेट, 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलता है आपको यहाँ पे। और LPDDR5X RAM दिया गया है, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप दिया गया है, यानी कि ओवरऑल जो आपको परफॉर्मेंस है इस स्मार्टफोन में आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेगा दोस्तों। ज्यादातर फ्लैगशिप में आपको स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे Dimensity 9300 दिया गया है जो कि स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के देगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस तो बहुत ही अच्छा देखने को मिलने वाला है, लेकिन साथ ही साथ कैमरा इसमें बहुत ही जबरदस्त दिया गया है दोस्तों। कैमरा कॉन्फ़िगरेशन में दोनों स्मार्टफोन थोड़ा अलग अलग दिया गया है दोस्तों, इसी की वजह से प्राइस थोड़ा इधर उधर है। और सबसे पहले प्रो के बारे में बात करें तो वीवो X100 प्रो में आपको जो कैमरा देखने को मिलेगा प्राइमरी, वहां पे आपको 50 मेगापिक्सल का सेंसर दिया गया है, बड़ा सा दोस्तों 1 इंच का सेंसर दिया गया है, सोनी IMX989 जिसके मदद से आपका जो फोटोग्राफी है वो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है दोस्तों। साथ ही साथ जो टेलीफोटो लेंस दिया गया है 50 मेगापिक्सल का, वहां पे भी आपको 4.3x ऑप्टिकल जूम देखने को मिलेगा और एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है। और आप इसके बैक को देखेंगे तो आपको लगेगा कि 4 कैमरा है, लेकिन जो चौथा वाला नीचे वाला है दोस्तों वो लेजर ऑटोफोकस के लिए है। ऐसे ही X100 के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी आपको जो प्राइमरी कैमरा मिलता है 50 मेगापिक्सल का है, लेकिन यहाँ पे आपको सोनी IMX920 कैमरा सेंसर देखने को मिलता है। ये पहला फोन है दोस्तों जिसमें आपको 920 देखने को मिलेगा। इसमें भी आपको बहुत ही जबरदस्त पिक्चर क्वालिटी दोस्तों देखने को मिल जाएगा। 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड दिया गया है और 64 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस दिया गया है, जहां पे आप 3x ऑप्टिकल जूम कर सकते हैं। तो डेफिनेटली दोस्तों दोनों का कैमरा कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही बढ़िया दिया गया है। वीवो X100 में तो आपको बहुत जबरदस्त दोस्तों पिक्चर क्वालिटी कैमरा परफॉर्मेंस होने वाला है, लेकिन प्रो वाले वेरिएंट में और बेहतर आपको फोटो क्वालिटी वीडियो क्वालिटी देखने को मिलने वाला है। और वीडियो के बारे में बात करें तो स्पेशली वीडियो के लिए दोस्तों यहाँ पे अलग सा चिपसेट लगा हुआ है, जैसे कि पिछले वाले वेरिएंट में भी लगा था, X90 में V2 चिपसेट लगा था। यहाँ पे जो X100 वाला वेरिएंट है उसमें भी दोस्तों आपको V2 चिपसेट देखने को मिलेगा, लेकिन प्रो वाले वेरिएंट में आपको V3 चिपसेट देखने को मिलेगा। ये वीडियो को इंप्रोवाइजेशन करने में मदद करेगा, साथ ही साथ आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को भी और बेहतर बना देगा। और यहाँ पे बैटरी दोस्तों X100 प्रो में आपको 5400 mAh की मिलेगा, लेकिन 100 वाट का फास्ट चार्जिंग मिलेगा, जबकि X100 में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलेगा, लेकिन 120 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगा। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे प्रो वाले वेरिएंट में आपको 50 वाट का वायरलेस चार्जिंग मिलता है, जो कि X100 में आपको नहीं मिलता है। उसके अलावा दोनों में आपको ब्लूटूथ 5.4 मिल जाता है दोस्तों, वाईफाई 7 सपोर्ट मिल जाता है, डुअल 4G वोल्टी, डुअल 5G भी दोस्तों देखने को मिलता है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको IP68 रेटिंग दोस्तों दिया गया है, जबकि आप पानी के अंदर इसे लेके जाएंगे कुछ नहीं होगा। और साथ ही साथ NFC भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ऑब्वियसली बात है दोस्तों। तो अभी इसके प्राइस के बारे में बात करेंगे दोस्तों, इसका कुछ ज्यादा वेरिएंट नहीं है दोस्तों, X100 प्रो का एक ही वेरिएंट आता है, 16GB रैम विथ 512GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट, जिसका कीमत है दोस्तों 89,999 रुपीज। और X100 का दो वेरिएंट आता है, 12GB रैम विथ 256GB इंटरनल स्टोरेज, जिसका कीमत है दोस्तों 63,999 रुपीज। और एक वेरिएंट आता है 16GB रैम विथ 512GB इंटरनल स्टोरेज, जिसका कीमत है दोस्तों 69,999 रुपीज। और इस स्मार्टफोन का जो सेल है वो स्टार्ट होने वाला है 11 जनवरी को, तो अगर आपको खरीदना है तो तब तक वेट कीजिए। और ये बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो क्या अच्छा नहीं लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपको ऐसे ही टेक्नोलॉजी भरा वीडियो सब मिलता रहेगा। तो मिलते हैं टेकफिन के और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय।